आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम पेश हैं एक नया टॉपिक लेके। आज हम बात करेंगे टॉप एक्स्ट्रा और बॉटम एक्स्ट्रा की। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास ये कोई बीम का स्ट्रक्चर है, रेनफोर्समेंट स्ट्रक्चर है बीम का, तो इसमें अक्सर अगर आपने देखा होगा टॉप एक्स्ट्रा और बॉटम एक्स्ट्रा, ये टॉप एक्स्ट्रा और बॉटम एक्स्ट्रा दो टाइप की एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट देते हैं बीम में। तो बस आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये दो टाइप की एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसको प्रोवाइड करने के क्या बेनिफिट्स हैं और हमें क्यों प्रोवाइड करनी चाहिए। हाँ तो गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये टॉप एक्स्ट्रा और ये बॉटम एक्स्ट्रा जो दो टाइप की रेनफोर्समेंट है, ये हम अपने बीम स्ट्रक्चर में हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो एक सिंपल सा एक चीज़ है कि अगर हम बीम की बात करते हैं, हमारे पास एक बीम इस टाइप से होता है, हम इसको कंसिडर करते हैं कि एक हमारी बीम है और ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। सेम यही प्रिंसिपल हम अपने कैंटिलीवर बीम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम में फोर्स कैसे एक्ट करता है। सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इसका मतलब यहाँ पे हमें सपोर्ट फोर्स मिलेगा इस साइड भी, और हमारे सपोर्ट फोर्स एक इस साइड भी सपोर्ट फोर्स रहेगा, और जो लोड है वो हमारा सेंटर में लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई एल बाई टू और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई एल बाई टू। अब हमारा जो लोड है वो सेंटर में लग रहा है, तो ये बीम का बॉटम पार्ट में नीचे वाले हिस्से में एक अलग टाइप का टेंशन क्रिएट होगा। और वो टेंशन, क्योंकि हमारी बीम अगर हम इसको मतलब बना लेते हैं, फिल कर देते हैं कंक्रीट से, तो हमारी एक बीम आरसीसी की बीम होगी। तो जब हम अपना ऊपर से लोड लगाएंगे तो कुछ इस टाइप का रिएक्शन रहेगा, इस टाइप का मूवमेंट रहेगा बीम में। तो उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर बीम के नीचे वाले पोर्शन में एक टेंशन क्रिएट होगा, बीम में एक टेंशन क्रिएट होगा और वो टेंशन फोर्स होगा। और क्योंकि हमें सबको पता है कि जो बीम है कंक्रीट से बनती है, और कंक्रीट में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट का अच्छा होता है, तो हमारा कंक्रीट हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उस कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, लेकिन कंक्रीट का जो टेंशन है वो अच्छा नहीं होता है। और इसके केस इसके अपोजिट हमें मूवमेंट देखने को मिलता है एक सपोर्ट फोर्स के ऊपर और इस वाले सपोर्ट फोर्स के ऊपर। यहाँ पर भी एक टेंशन जोन क्रिएट होता है, ये वाला टेंशन नीचे की तरफ हुआ और ये वाला टेंशन ऊपर की तरफ हुआ। तो अगर हम इसका मूवमेंट डायग्राम देखें, हमारा ये मूवमेंट डायग्राम है, तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं ये पीडीएफ है, ये आप भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इससे रिलेटेड जो सिविल या आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक्स हैं तो उसके बारे में नए नए ब्लॉग्स नए नए पोस्ट मैं करता रहता हूँ वेबसाइट पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अपने टॉपिक पे दोबारा आते हैं। तो मैं बता रहा था अगर इनका मूवमेंट डायग्राम देखते हैं, तो इनके मूवमेंट डायग्राम में हमें पता चलता है कि जो एक बीम पे जब फोर्स लगता है, यहाँ से यहाँ तक कि हमने एल लेंथ की बीम को कंसिडर किया गया है, तो उसमें जो फोर्स लगेगा बीच वाला जो फोर्स होगा वो नीचे की तरफ मूवमेंट शो करेगा नीचे, तो इसलिए नेगेटिव मूवमेंट, यहाँ पे नेगेटिव का साइन हमने शो किया है नेगेटिव मूवमेंट शो करने के लिए। और जो ऊपर की तरफ है ये वाला और ये दोनों साइड में, हम ये साइड और ये साइड, इन दोनों साइड में एक पॉजिटिव मूवमेंट क्रिएट होगा, इसीलिए हमारा पॉजिटिव मूवमेंट क्रिएट होगा। तो हमारे दोनों तरफ एंड्स पे एक पॉजिटिव मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, और एक हमारा मिडल में जब अगर फोर्स लगता है बीम में, तो मिडल में नीचे की तरफ एक नेगेटिव मूवमेंट क्रिएट होता है। अब क्योंकि हमें इस मूवमेंट को रिजिस्ट करना है, तो इस रिजिस्ट करने के लिए हम दो टाइप की रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ आपको, तो ये हम दो टाइप के रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। पहली हमारी हो गई टॉप एक्स्ट्रा और दूसरी हो गई बॉटम एक्स्ट्रा। तो हम ये दो टाइप के रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो एक अब जनरल क्वेश्चन है कि हम टॉप एक्स्ट्रा की हमारी लेंथ, टॉप एक्स्ट्रा जो हमने प्रोवाइड करी है वो यहाँ से यहाँ तक प्रोवाइड करी गई है, जो टॉप एक्स्ट्रा की लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक है,
इस लेंथ में हमने टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया है, और क्योंकि एक 5 फीट एग्जांपल के लिए हमने एक 5 फुट एक लंबी बीम का रेनफोर्समेंट स्ट्रक्चर कंसिडर किया है, और हम यहाँ पे राइट साइड में भी अपना यहाँ से हमने राइट साइड में भी यहाँ से लेके यहाँ तक का एक टॉप एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है। ये बिल्कुल एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है जो हम नॉर्मली किसी भी बीम के स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करते हैं, उससे एकदम एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है। इसके साथ ही साथ हम एक नीचे भी एक रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ये स्टील बार है नीचे हम प्रोवाइड करते हैं, उसे बॉटम एक्स्ट्रा कहते हैं, और ये टॉप एक्स्ट्रा बॉटम एक्स्ट्रा और ये वाली टॉप एक्स्ट्रा को हम एक क्रैंक के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसा ये इसलिए करते हैं ताकि अभी हमने देखा कि यहाँ पे इसका मूवमेंट क्रिएट होगा, तो इस मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए स्टील बार का हम यूज़ करते हैं रिइंफोर्समेंट में, क्योंकि स्टील बार के अंदर टेंशन को रजिस्ट करने का काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ होता है, तो इसीलिए हम वहाँ पे स्टील बार यूज़ करते हैं। तो अभी हम एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि ये लेंथ हमें कितनी लेंथ लेनी चाहिए, ये टॉप एक्स्ट्रा की लेंथ और ये टॉप एक्स्ट्रा की लेंथ और ये बॉटम एक्स्ट्रा की लेंथ कितनी लेनी चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है, टॉप एक्स्ट्रा की लेंथ हमारी होगी L/3, जितनी भी टोटल लेंथ होगी बीम की उसका L/3 लेफ्ट हैंड साइड में टॉप एक्स्ट्रा में हम यूज़ करेंगे, और राइट हैंड साइड का L/3 हम ये भी टॉप एक्स्ट्रा में यूज़ होगा, और बीच का पोर्शन है वो बॉटम एक्स्ट्रा के तौर पे एक्स्ट्रा रेइंफोर्समेंट में यूज़ होगा। इसके अलावा यहाँ पे हमने स्टिरअप शो किए हैं। गाइस यहाँ पे जो टॉप एक्स्ट्रा का जो रेइंफोर्समेंट है इधर, ये हमारा आके जाके डेवलपमेंट लेंथ में कनेक्ट हो जाता है। अच्छा इस वाले मॉडल में मैंने शो नहीं किया है, मैं कर देता हूँ, ये आगे जाके फर्दर हमारा डेवलपमेंट लेंथ, ये हमारा एक डेवलपमेंट लेंथ होता है। अगर इसके रिगार्डिंग भी अगर वीडियो चाहिए तो आप बताइए कि डेवलपमेंट लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं और कितनी लेंथ होनी चाहिए डेवलपमेंट लेंथ और बीम की कॉलम की, उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आगे। तो हमारा टॉप एक्स्ट्रा हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं, तो बेसिकली ये पूरा जो हमारा बीम है वो हाई टेंशन रहे और टेंशन को ले पाए, इस वजह से हम यहाँ पे हमारी बीम में रेनफोर्समेंट है एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं इसमें, तो टॉप एक्स्ट्रा और बॉटम एक्स्ट्रा का ये यूज़ है। तो इसका स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा बेनिफिट रहेगा, हमारी बीम को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और बीम में जो फेलियर के चांसेस रहते हैं वो काफ़ी कम कर देते हैं, हो जाते हैं इससे। नॉर्मली देखने को मिलता है कि जो हम लोकली हम अपने जितने भी बिल्डिंग्स बन रहे हैं आपने भी देखा होगा, जनरली ये लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ाता है, लेकिन इसके अपोजिट ये हमें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। तो हमें ये टॉप एक्स्ट्रा और ये बॉटम एक्स्ट्रा की जो रेनफोर्समेंट है ये प्रोवाइड करनी चाहिए, इससे क्या है हमारा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर काफ़ी स्टेबल रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आगे की वीडियो में हम आगे कुछ नए टॉपिक्स पर बात करते हैं। थैंक यू।